Good morning to all. Jain to all of you. I am Rashi, Carrie Rashi from RG Academy of today's debate. तो जैसा कि आपको पता होगा कि अमूमन आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये एक तेजी से बढ़ने वाला कम्युनिकेशन का मीडिया है। आजकल दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है, कोई भी ट्रेजेडी घटती है, तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू वो पता चल जाती है। ये बहुत तरीके से हमें हेल्प करता है। आप सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रख सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हमको हमारी असल दुनिया से दूर रख रहे हैं, जिसके चक्कर में हमें माँ बाप को भी समझ नहीं दे पा रहे हैं। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को समझ देने में असमर्थ हो रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इंटरनेट हैज बिकम अ वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर टू वेज कम्युनिकेशन एंड बिजनेस डील्स। इंटरनेट हेल्प पीपल्स इन जॉब्स, ट्रेड्स, शेयरिंग नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन। इट ऑल्सो गिव पीपल्स अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। जैसा कि आपने कहा कि हम सोशल मीडिया के जरिए अपने मैसेज एक दूसरे को पास करा सकते हैं, लेकिन जो पहले के टाइम पे चिट्ठियाँ हुई करती थी वो आजकल कहाँ है? चिट्ठियाँ तो गायब हो गई हैं। तो इसकी जगह हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूलें, ये भी तो गलत है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले टाइम पे क्या होता था? आप आज चिट्ठी लिख रहे हो, कितने दिनों बाद वहाँ पहुँचेगी, और फिर वो चिट्ठी लिख के आपको रिप्लाई करेंगे, वो कितने दिनों बाद पहुँचेगी। इस सब में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था। इस सब के बीच में क्या क्या हो सकता है? आजकल सोशल मीडिया है, आप यहाँ से देश के किसी भी कोने में मैसेज कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करता है सोशल मीडिया। लेकिन आपका क्या कहना है, पहले के लोग अपना टाइम वेस्ट करते थे, इंटरनेट के जरिए उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? इंटरनेट के जरिए उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी जल्दी उनको हेल्प कर रहा है। ये मैं बात मैसेज की भी कर रही हूँ, हर चीज़ में, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर चीज़ में सोशल मीडिया लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में भी ये लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया बिजनेस में बहुत हेल्प कर रहा है, लेकिन जो दुकानदार अपनी दुकान में सामान बेचेंगे वो क्या कर रहे हैं? आपको जैसे कि पता ही था कि अभी जब बीच में एक कोरोना वायरस नामक महामारी आई थी, तो इस बीच में दुकान, कोई भी जो पीपल हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इन सब चीज़ों में काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे मीशो, अमेजोन, लोग इनमें अपनी शॉपिंग कर रहे थे, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे, और ये इनको काफ़ी लाभदायक था। लेकिन जो सोशल मीडिया, उसके जरिए साइबर क्राइम जैसी भी तो चीज़ें होती है। आपका जो पॉइंट है साइबर क्राइम का बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंसान की खुद की गलती है, क्योंकि वो इसमें प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं। तो इंसान की इसमें क्या गलती?